उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव दोनों एंग्री यंग मूड में हैं। अखिलेश कोई टिप्पणी करते हैं तो फौरन योगी आदित्यनाथ जवाब देते हैं और फिर अखिलेश बंद कमरे में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक नई बहस छेड़ देते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिर इन दोनों ही नेताओं के बीच आखिर इतनी गर्मा गर्मी क्यों है। हमने रावण, भस्मासुर, औरंगजेब, मठाधीश और माफिया जैसे शब्दों को डिकोड किया है। इसकी इनसाइड स्टोरी हम आपको समझाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। समाजवादी पार्टी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बगैर नाम लिए साधुओं की तुलना रावण से कर रही है, मगर सीएम योगी अखिलेश यादव पर डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं। याद औरंगजेब की दिलाई जा रही। दुर्दांत माफिया और अपराधियों के सामने नाक रगड़ते थे और अपने संस्कार के अनुरूप धर्माचार्यों को ये माफिया बोलते हैं। इनकी प्रवृत्ति तो देखो, औरंगजेब की आत्मा सचमुच इनके अंदर घुस चुकी है। औरंगजेब की आत्मा इस कदर घुस चुकी है कि भारत की धर्म और संस्कृति के प्रतीक धर्माचार्य को माफिया कहते हैं और जो संगठित अपराध में लिप्त थे, भू माफिया, वन माफिया, पशु माफिया या संगठित अपराध में संलिप्त माफिया को के सामने ये लोग घुटना टेक करके नाक रगड़ने का काम करते थे। समाजवादी पार्टी संकेतों के जरिए सीएम योगी को मठाधीश और माफिया के बाद अपराधी बता रही और योगी खुलेआम भस्मासुर की संज्ञा दे रहे। इन लोगों को जब भी जनता जनार्दन ने शक्ति दी है तो इन्होंने शक्ति का दुरुपयोग किया है, वैसे ही जैसे किसी कालखंड में भस्मासुर ने किया था। आपकी ताकत से ही आपकी आस्था पर प्रहार। यूपी की सियासत में रावण, औरंगजेब, मठाधीश और भस्मासुर वाला एपिसोड क्यों शुरू हुआ? कैसे सनातन का विरोध करते करते अखिलेश यादव और उनकी पार्टी योगी पर बहुत ज्यादा पर्सनल हो गई, ये आपको बताएंगे। मगर पहले संकेतों की सियासत के वो मायने समझिए जो योगी के लिए लगातार तीसरी बार सीएम बनने का टास्क है और अखिलेश के लिए सत्ता वापसी की उम्मीद। अखिलेश यादव की पार्टी साधु संतों पर अटैक कर हिंदुत्व को टारगेट कर रही है, मकसद मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में लाना है, जबकि योगी उस औरंगजेब की याद दिला रहे जिसने हिंदुओं पर बेहिसाब अत्याचार किए। कोशिश यही है कि अखिलेश के ध्रुवीकरण वाले एजेंडे को एक्सपोज किया जाए। अखिलेश यादव हिंदू वोटों को जातियों में तोड़ने का एक्सपेरिमेंट कर रहे, मकसद है कभी बीजेपी का रहने वाला वोट उन्हें मिल जाए। योगी दंगाइयों और माफियाओं से समाजवादी पार्टी के गठजोड़ का दावा करते हैं, ऐसा करके उनका फोकस हिंदू वोटरों को एकजुट करने का है। जितने भी दरिंदे पकड़े जा रहे हैं, बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले, इनके संबंध समाजवादी पार्टी से ही सबके संबंध हैं। यानी समाजवादी पार्टी इन दरिंदों का आज एक गैंग बन चुका है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होने के साथ साथ गोरखपुर मंडल के महंत भी हैं, संतों की वेशभूषा में रहते हैं। समाजवादी पार्टी इसलिए बार बार मठाधीश और संतों वाली शब्दावली का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन यूपी के विकास और विजन के बजाय निजी टिप्पणी का यह सिलसिला किस हद तक, इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है। माफिया अतीक अहमद के साथ अखिलेश यादव की ये तस्वीरें सार्वजनिक है। माफिया मुख्तार अंसारी के घर पर बैठे अखिलेश की मेहमान नवाजी भी हर कोई देख चुका है। इन दोनों ही माफियाओं के जरिए अखिलेश मुस्लिम वर्ग का वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करते रहे। अखिलेश यादव ने बीते कुछ टाइम से अपनी MY पॉलिटिक्स को PDA में बदला तो ऐसे लोगों से भी मुलाकात करनी शुरू कर दी या समर्थन किया जो या तो अपराधी रहा या फिर किसी केस में आरोपी। सुल्तानपुर एनकाउंटर में मारे गए आरोपी मंगेश यादव के परिवार से अखिलेश ने न सिर्फ मुलाकात की बल्कि 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद देकर जाति वाला नैरेटिव सेट करने की भी कोशिश की। गोमती नगर छेड़छाड़ कांड के आरोपी पवन यादव से भी अखिलेश मिले थे और एक तरफा क्लीन चिट दे दी थी, मगर अपने नेताओं पर लगने वाले आरोपों पर चुप्पी साध ली। कमाल की बात देखिए, अयोध्या से लोकसभा चुनाव जीतने वाले अवधेश प्रसाद भी योगी को चैलेंज करने लगे। क्या है, 100 बार आवे
आखिर विधानसभा में नहीं आए थे? बोलो, चार पांच सभा के हरे कि नहीं? हम जीते नहीं, लोकसभा में नहीं आवा रहे, हम जीते नहीं? बोलो। तो इसलिए भैया ऐसा है, उनके आने जाने का कोई मतलब नहीं। जय बार आदरणीय जोगी जी आएंगे, तय बार 1000 वोट कम होगा और समाजवादी पार्टी बढ़ेगा और बीजेपी कम होगा। अखिलेश यादव की बेचैनी 10 सीटों के उपचुनाव से पहले योगी के आक्रामक तेवरों की वजह से और अवधेश प्रसाद के सामने चुनौती, मिल्कीपुर में बेटे को चुनाव जिताने की। हालांकि जिस तरह अखिलेश यादव बार बार संत समाज को टारगेट कर रहे हैं, उसे देखते हुए योगी की तैयारी इस मुद्दे को बहुत आगे ले जाने की। 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ होगा, जिसमें 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। इस दौरान 13 अखाड़ों के लाखों साधु संत भी मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि 2027 के चुनाव पर फोकस करते हुए सीएम योगी अखिलेश को संगम नगरी में घेरने की रणनीति बनाएंगे। ये अलग बात है कि माफिया और मठाधीश वाला फैक्टर कहीं उल्टा न पड़ जाए, इसके लिए अखिलेश ने अपने सिपा सालारों को अभी से सफाई देने के लिए उतार दिया। जो माफियाओं का पूरा सेंटर बना हुआ है, उन्होंने किसी आदरणीय साधु संतों पे ये कमेंट नहीं किया। पूरे प्रदेश में साधु संत माननीय अखिलेश यादव जी को, उनको बहुत एहतराम करते हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं। लेकिन आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो लाइन थी, एक जो आदर्श है हमारे देश में योगी होने का, माननीय अखिलेश जी इसको बहुत अच्छे से ब्रीफ करते हैं, वो कोई भी चीज़ सूट नहीं करती है उन्हें, उनकी भाषा भी सूट नहीं करती है कि वो योगी है। अब सवाल ये है कि योगी के लिए माफिया और मठाधीश की तुलना वाला मुद्दा अहम क्यों है, तो इसकी वजह समझिए। योगी की पहचान बुलडोजर, एनकाउंटर और माफिया पर एक्शन के लिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में बुलडोजर एक्शन पर 1 अक्टूबर तक रोक लगा दी है। यूपी के दो बड़े माफिया अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी मर चुके हैं और एनकाउंटर में अखिलेश जाति वाला नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी में योगी मॉडल का कोई नया तरीका आता, उससे पहले ही अखिलेश ने बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, नहीं नहीं, अगर आप डिक्शनरी उठा के देख लो भाई, भाई डिक्शनरी तो आपको भी उठा के देखनी पड़ेगी। सरकार ने खुद जारी किए, कई अखबारों ने खुद जारी किए वो नाम, वो नंबर्स। तो जो हमारे साथी यहाँ पूछ रहे थे, बताओ उसमें पीडीए परिवार के लोगों के 60-70% लोगों का एनकाउंटर हुआ है कि नहीं हुआ है? कंधे नगरी चौपट राजा, दिन दहाड़े रेप और रात भर गांजा। अंधे नगरी चौपट राजा, दिन दहाड़े रेप और रात भर गांजा, जिसको भी देखना है तो यूपी में आ जा। अखिलेश यादव वर्सेस योगी के इस चैप्टर की शुरुआत योगी के भगवा कपड़ों से हुई थी, लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी के नेताओं के रेप केस में फंसने का मामला सामने आया, उसके बाद सियासत गर्म हो गई। योगी समाजवादी पार्टी को अपराधियों का संगठन बता रहे हैं, तो अयोध्या के मोहित खान, कन्नौज के नवाब सिंह यादव और मऊ के वीरेंद्र बहादुर पाल के जरिए सपा के कारनामों की लिस्ट गिराते हुए शायराना तंज भी कस रहे हैं। उनके बारे में मुझे एक शायर की बात याद आती है कि नजर नहीं है लेकिन नजारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं, वो हाथ जोड़ के बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में ये सुधारों की बात करते हैं। एक तरफ अखिलेश का नैरेटिव, दूसरी तरफ 2027 को लेकर योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से पॉजिटिव। अब कॉन्फिडेंस किसका हाई होगा, इसका अगला रिजल्ट 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव से आएगा, जिसे लेकर अखिलेश और राहुल गांधी के बीच अभी तक तालमेल नहीं बन पाया है। कांग्रेस 50-50 फॉर्मूले पर चुनाव लड़ना चाहती है, यानी 5 सीट पर सपा और 5 पर कांग्रेस। यूपी के दो लड़कों की ये जोड़ी अकेले लड़ेगी या गठबंधन में रहकर, इसका डिसीजन राहुल और अखिलेश को करना है। ये अलग बात है कि लोकसभा चुनाव से पहले भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच ऐसी ही स्थिति आई थी, इसीलिए योगी इस पर बहुत ज्यादा नहीं बोल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।